सर सबसे पहले आप अपना नाम? मैं सर सुभाष ठाकुर SMC गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़कहन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमें दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि हम सुबह जब हम किसी शिक्षा स्तर को लेकर आए थे तो हमारे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़कहन का जो शिक्षा स्तर था उसमें एक तो स्वयं टीचर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने टीचर आए थे उसमें से एक टीचर थे उनका जो था सुनील नाम है, मानसिक स्तर से वो ठीक नहीं है। लेकिन आज हम पूरे अभिभावक समेत SMC के लेकर आज एक डेपुटेशन लेकर आए थे। सुबह सबसे पहला हम माननीय जो हमारे विधायक है टीका विक्रमादित्य सिंह जी से उनसे भी मिले, उसके बाद हम डिप्टी डायरेक्टर जी से भी मिले, उसके बाद हम डायरेक्टर जी से भी मिले। तो हमारा निवेदन रहेगा जो ये टीचर है उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से ना पढ़ा सकते हैं, इसलिए जो हमारे जो बच्चे हैं वो पिछड़ जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन यही रहेगा कि उनको किसी भी स्तर पे या उनको ट्रांसफ़र किया जाए गवर्नमेंट हाई स्कूल गड़कहन से या उनको किसी भी स्कूल में, क्योंकि हमने FIR भी की थी, पुलिस चौकी सुनी थाना में भी की थी, वहाँ से भी जो उन्होंने मेडिकल बताए उनका 16 नंबर इलाज में कहीं इलाज चल रहा है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि उनसे कृपया करके यहाँ से जो हमारा अगर शिक्षा को स्तर को बढ़ाना है तो ऐसे टीचर का ही अलाउड नहीं है, और हम चाहते हैं कि अगर शिक्षा को एक स्तर में ले जाना है तो कम से कम ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाए। आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति? हमने सर उनकी जब डेली आते हैं वो ड्रिंक करके आते हैं, जब हमने 2-3 बार मीटिंग की SMC को बुलाया वो भी हमारे पास हैं, तो 2 दिन पहले सर उसका कहीं एक्सीडेंट भी हुआ था, तो हमने फिर भी बोला कि आज आप बच गए हैं तो आप निवेदन रहेगा तो आज सभी से मिले, टीका विक्रमादित्य से मिले, डिप्टी डायरेक्टर से मिले, डायरेक्टर से भी मिले, तो उनसे निवेदन रहेगा कि उनको अगर कहीं अच्छी उनको कहीं क्लरिकल साइड या कुछ भी हो, क्योंकि शिक्षा के स्तर में नहीं हो सकता है सर। स्टाफ ही नहीं है, ना हेड टीचर है, ना कोई और साइंस टीचर है, बहुत टीचर की कमी है, फिर भी उन्होंने टीचर जो आए लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति वो सर सही नहीं है। वहाँ पर क्या स्कूल में ही शराब पीकर आते हैं? जी 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 डेली आते हैं, मेरे से बात होती है, मैं स्कूल प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरे से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि अनल नहीं रह सकते हैं। फिर हम जब उनको पुलिस थाना सुनी ले गए, प्लस जब हमने उनका मेडिकल करवाया तो वहाँ भी बोले कि ये 16 नंबर के मरीज है, इनको अलॉर्डर जो भी है कुछ भी हुआ वहाँ पे, तो स्थिति उनकी मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? तो हम ये चाहते हैं कि या तो वहाँ से स्कूल से स्थानांतरित किया जाए, सबसे पहला वही है, मेन वही है, स्थानांतरित करना कोई हल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उनको किसी भी स्थिति पे यहाँ, क्योंकि एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते हो, अगर इस तरह से स्कूल में रहे तो गलत नीति से ही हमारा बच्चों पे बात की जाए, चाहे स्कूल में रहते या कहीं और स्थानांतरित किया जाता है तो कहीं ना कहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको कहीं नहीं, हमने यही भी आज डिप्टी डायरेक्टर भी किया, जहाँ भी मर्जी भेजना होगा, लेकिन स्कूल में अलॉट नहीं कर सकते, वो पढ़ा नहीं सकते, उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो खुद भी बोलते हैं कि मेरी स्थिति ठीक नहीं। तो डायरेक्टर साहब ने क्या बोला कि जल्द से जल्द? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बोला कि हम 3 या 4 दिन में इसका समाधान निकाल के आपको बता देंगे।